जब से ये नए हुक्मरान आए हैं, इन्होंने तो जिस तरीके का खेल खेला है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या बिक रहा है और क्या बिक चुका है। निजीकरण असल में इसकी शुरुआत होती है जब आपकी जमीनें छीनी गई, आपके जंगल छीने गए और छीन छीन करके पूंजीपतियों को दे दिए गए। मैं उस तबके से आता हूं जिसका 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल पिछले 6 महीने में छीन करके किसी पूंजीपति के हवाले कर दिया गया। 50,000 से ज्यादा आदिवासी अपने जंगल और जमीन को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सिलगेर में बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। जब हम लोग यहां पर बहुजन यूनिटी की बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें यहां पर देखने को मिली कि तमाम तरीके की बातें हो रही हैं लेकिन उस तबके की बातें नहीं हो रही हैं जिसके बिना ये बहुजन यूनिटी संभव नहीं है, वो है आदिवासी तबका। मैं उस तबके से आता हूं जिसे आजादी के 72 वर्ष बाद भी पार्लियामेंट के भीतर गोली मारने के बाद कहा जाता है कि मिस्टेक एन आइडेंटिटी का मसला है, पहचान का संकट है, हम पहचान नहीं पाए और हमने गोली मार दी। आपको शायद याद होगा और नहीं है तो आप पता कीजिए, आज से लगभग 10 दिन पहले नागालैंड के भीतर हमारे ही सुरक्षा बलों ने 14 आदिवासी मजदूरों को खुलेआम सड़क पर दिन दहाड़े गोली मार दी और कहा कि हम पहचान नहीं पाए कि ये मजदूर थे या कोई और लोग थे। और पार्लियामेंट के भीतर हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं मिस्टेक इन आइडेंटिटी का मसला है, वो 72 वर्ष बाद भी इस देश के आदिवासियों को पहचान नहीं पाए कि कौन उनके देश का नागरिक है और कौन नहीं है। मैं उस समाज से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जहां लगभग 7 महीने से ज्यादा वक्त हो गया 50,000 से ज्यादा आदिवासी अपने जंगल और जमीन को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सिलगेर में बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया हुआ था किसानों की तरह, लेकिन वो दिल्ली से बहुत दूर थे, उनके पास उस तरीके का प्रिविलेज नहीं था जैसा कि यहां दिल्ली में बैठे लोगों के पास था। और आज उसकी कोई चर्चा नहीं है, वो आज भी बैठे हुए हैं उसी तरीके से बैठे हुए हैं। मैं उस तबके से आता हूं जिसका 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल पिछले 6 महीने में छीन करके किसी पूंजीपति के हवाले कर दिया गया। हम बात कर रहे थे निजीकरण की, साथियों अगर किसी तबके पर अगर हम लोग समुदाय की बात करें जिसका सबसे ज्यादा निजीकरण का असर पड़ रहा है तो वो इस देश का आदिवासी तबका है। आपको लग रहा है कि निजीकरण माने रेलवे बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया और एयरपोर्ट बेच दिए, सड़क बेच दी, रोड बेच दी और बाकी चीजें बेच दी। निजीकरण सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, निजीकरण असल में इसकी शुरुआत होती है जब आपकी जमीनें छीनी गई, आपके जंगल छीने गए और छीन छीन करके पूंजीपतियों को दे दिए गए और आपको खबर भी नहीं हुई कि आपका जंगल किसको दे दिया गया, आपकी जमीनें किसको दे दी गई। और वो बहुत पहले हो चुका है और अभी भी बदस्तूर जारी है। मैं उस तबके से भी आ रहा हूं, हम उस तबके से आते हैं जहां विश्वविद्यालयों में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। आरक्षण कहा जाता है कि 7.5% है और काफी लंबे वक्त से है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी आज भी 1% से ऊपर नहीं है। हम उस तबके से भी आते हैं जहां अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, सेवाओं की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं की, तो वहां भी 1.5 से 2% से ज्यादा हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये आरक्षण होने के बावजूद की कहानियां हैं, क्योंकि हम यहां पहुंचने से पहले कई तरीके के संकटों से गुजर रहे होते हैं। हमारे लिए असल संकट है कि हम अपना घर बचाएं पहले, अपने परिवार को बचाएं कि कोई पुलिस कोई जवान आकर के हमें गोली ना मार दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें पहचानने से इनकार कर दे और वो गोली मार करके चलाए जाए और उसको कुछ ना हो, क्योंकि उसके पास आपसपा का एक हथियार भी उसके साथ में है। आपको पता होगा कि 2 साल पहले इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश के जिन आदिवासियों के पास अपने घर और अपनी जमीन के पट्टे नहीं है, जमीन का मालिकाना हक नहीं है,
उन्हें वो जमीनें खाली करनी होंगी। और जब वो आदेश आया तो पता चला कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास आज भी अपनी जमीनों के पट्टे नहीं है जिस जमीन पर वो रहते हैं, जो कम्युनिटी लैंड जिसको आप कहते हैं कि सामुदायिक भूमि। क्योंकि बात चल रही थी, एक साथी यहां कह रहे थे हम देश का मालिक बनने आए हैं, आदिवासी ये कहते हैं भाई हमको मालिक नहीं बनना है, हमको बस शांति से रहने दीजिए, आपको जो काम करना है करिए, आपको मालिक बनना बनिए, बस हमें हमारा जंगल और हमारी जमीन तक रहने दीजिए, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना है उतने से काम चला लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि पट्टे नहीं है, बाहर चले जाइए, जमीनें छोड़ दीजिए। और उन पट्टों के नाम पर लगातार बेदखली जारी है। हम उस समाज से आते हैं साथियों, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसकी बात कर रहे हैं हम, इस सिस्टम ने सबसे ज्यादा अगर किसी को एक्सक्लूड किया है तो वो इस देश का आदिवासी तबका है। और जब से ये नए हुक्मरान आए हैं, इन्होंने तो जिस तरीके का खेल खेला है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या बिक रहा है और क्या बिक चुका है। आपको बता दी जाए कि जितनी भी माइनिंग हो रही है सारी की सारी आदिवासी इलाकों में है, जितना आप सुबह उठने के बाद जो क्रीम लगा करके आते हैं, उस क्रीम को लिए जो मिट्टी और वो बाकी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको निकालने के लिए जो आदिवासी लड़के लड़कियां सुबह से लेकर शाम तक उन खदानों से जो मिट्टी निकाल करके लाते हैं, उनकी हालत जाकर के देखिए। आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट होता है और उनके अंदर उस मिट्टी से लगातार बीमारियां जन्मती जा रही हैं। शुद्ध पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि खदान से निकला हुआ पानी वो पूरा के पूरे जो वाटर सिस्टम है उसको डैमेज कर रहा है। जो कारखाने से कचरा निकल रहा है वो कचरा हवाओं में घुल चुका है, जमीन के अंदर घुल चुका है। और औसत उम्र जब जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि 35 से 40 वर्ष की उम्र में आदिवासी निकल लेते हैं, खत्म है पूरा जीवन। हम उस तबके से आते हैं साथियों। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वी द पीपल ऑफ के बैनर तले, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आप उस तबके को मत भूल जाइएगा जो बहुत पीछे है। आज आपके सामने यहां उतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं निभा पा रहा है जितने तादाद में आप यहां पर हैं, तो उसको भी जो है याद करने की जरूरत है, उसके संघर्ष को याद करने की जरूरत है, और तभी शायद हम बहुजन यूनिटी कायम करवाएंगे। आप तमाम लोगों ने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।